ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस और जिदाल करती और अल्लाह से शिकायत रंजो मलाल करती थी, अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगु सुन रहा था। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है, देखता है। जो लोग तुम में से अपनी औरतों को माँ कह देते हैं, वो उनकी माएं नहीं हो जाती? उनकी माएं तो वही हैं जिनके बदन से वो पैदा हुए। बेशक वो नामाकूल और झूठी बात कहती हैं। और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला है, बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों को माँ कह बैठे फिर अपने कौल से रुजू कर लें, तो उनको कुर्बत से पहले एक गुलाम आजाद करना जरूर है। मोमिनों, इस हुक्म से तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। अब जिसको गुलाम न मिले वो कुर्बत से पहले लगातार 2 महीने के रोजे रखे, फिर जिसको इसका भी मकदूर ना हो उसे 60 मोहताजों को खाना खिलाना चाहिए। यह हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के फरमा बरदार हो जाओ, और ये अल्लाह की हदें हैं और न मानने वालों के लिए दर्द देने वाला अजाब है। सहाबी हैं औस बिन सामित, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। एक तलाक थी जाहिलियत की, जिसमें यूं कहा जाता था तू मेरी माँ की तरह है, तो इस पर तलाक होती थी जाहिलियत में। ऐसी तलाक के कभी दोबारा निकाह नहीं हो सकता, कहीं और निकाह हो के तलाक हो के भी नहीं हो सकता, ये ऐसी तलाक थी। वो आई दौड़ी दौड़ी अल्लाह के नबी के पास। रसूल अल्लाह, हजरत आयशा कंघी कर रही थी, या रसूल अल्लाह मेरे खामिन ने मुझे कह दिया तू मेरी माँ की तरह है, अब क्या होगा? तो चूंकि शरई हुक्म मौजूद नहीं था, आपने रिवाज पर फरमाया खौला, तलाक हो गई। तो या रसूल अल्लाह आप नजर सानी फरमाए, इन्नहु अबू वलदी व हब्बु नस इलै, वो मेरे बच्चों का बाप, हमारी आपस में बहुत मोहब्बत है। उसने गुस्से में कह दिया है, तो आपने कहा हरिम थे अलै है खौला, तलाक हो गई। उनका या रसूल अल्लाह अकला माली व अफना शबाबी व नफरत लहु बतनी व तफर्रक अहली, या रसूल अल्लाह मेरा बुढ़ापा आ चुका है, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी जवानी खत्म हो चुकी है, माल मेरे पास कोई नहीं, अगर ये तलाक होती तो मैं कहाँ बैठूं, मुझे कौन सहारा दे? तो आप चुप हो, चूंकि वो मनवाना चाहती, अभी वही कोई आई नहीं, आपने कानून माहौल रवाज के मुताबिक फैसला दे दिया है, तो आप खामोश हो गए। हज़रत आयशा कंघी फरमाई, अल्लाह जब उसने देखा कि आप चुप हो गए तो कहने लगी अच्छा आप नहीं सुनते, मैं आपके रब को सुना थी। अल्लाह के नबी कह रहे हैं तलाक हो गई, वो कह रही अच्छा मैं आपके रब से बात करती हूँ। उसने वही हाथ उठाए, اللهم إنهم لي من حسبية صغار, ए मेरे रब मेरे छोटे छोटे बच्चे, इन तमाम तो हम इलै फदा जाओ, मैं अपने पास रखूं तो रोटी कहां से खिलाऊं, इन तमाम तुम इलै फदा बाप के पास छोड़ूं तो तरबियत कौन करेगा? या अल्लाह, अब जरा गौर के, या अल्लाह अपने नबी की जबान पर मेरे हक में फैसला उतार। ये नहीं कहा कि अल्लाह तो अपने इल्म के मुताबिक फैसला उतार, तो अपनी शरीयत के मुताबिक फैसला उतार, मेरे रब मेरे हक में फैसला उतारना, मैं बच्चों को कहां ले जाऊंगी, मैं बुढ़ापा कहां गुजारूंगी। तो एकदम अल्लाह के नबी पर वही, तो जब वही आती थी अब पसीना पसीना और आंखें बंद हो जाती थी। तो आयशा ने कहा खौला खौला, चुक चुक, वही आ गई वही आ गई। खौला ने जब देखा तो और जोर से रोना शुरू कर दी, किस बात पर? कि पता नहीं मेरे हक में है या मेरे खिलाफ। जब वही खत्म हुई तो आपने पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए फरमाया खौला तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे हक में फैसला दे दिया। और ये फैसला कुरान में लिखा गया है, इसको कुरान का हिस्सा बनाया गया, इसे हदीस का हिस्सा नहीं बनाया, और इसे 28वां पारा इससे शुरू करवाया गया। 28वां पारा सूरह मुजादला, नाम ही मुजादला रखा, मुजादला
झगड़ा करने वाली औरत, झगड़ा करने वाली, अल्लाह के नबी से झगड़ा नाम ही मुजादला है। हमने सुन लिया उसकी बात को जो आपसे बात कर रही थी, ये तो तर्जमा है, लेकिन सूरत हाल क्या है? जो तर्जमा कभी हकीकत को नहीं बताया करता, ये जो अल्फाज हैं ये क्या बता रहे हैं, मैं वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि ऐ मेरे महबूब, यकीनन अल्लाह ने सुना, मैंने नहीं कहा, कद समित हो लफ्ज अल्लाह, मेरे महबूब अल्लाह ने अपनी उस बंदी की फरियाद को सुना जो आपसे झगड़ा कर रही थी अपने खामिंद के बारे में, आप इनकार कर रहे थे, वो इकरार करवा रही थी और उस अदालत में मैं भी मौजूद था और मैंने ये फैसला अपनी बंदी के हक में कर दिया और इस तलाक को ख़त्म कर दिया और इसका जुर्माना रख दिया कि गुलाम आज़ाद करे और बीवी हलाल हो गई, या मिस्कीनों को खाना खिलाए या रोज़े रखे बीवी हलाल हो गई।